पर्वत तो दोस्तों यह झांकी जो है माता नंदा देवी को समर्पित है, जो कि हमारे उत्तराखंड की आराध्य देवी है। इसके पीछे आप देख सकते हैं हमारी बच्चियां कलश यात्रा में शामिल है। ये कलश यात्रा ले जाएंगी माता के मंदिर तक। तो कोई भी उत्तराखंड में जब शुभ कार्य होता है तो कलश यात्रा हमेशा निकाली जाती है। यह सनातन की एक परम्परा है, सनातन की एक प्रथा भी है। तो जब यह कृषि मेला गेवाड़ घाटी में हो रहा है तो इसमें पर तमाम क्षेत्र के जितने भी संस्था हैं, स्कूल हैं, जितने भी आपके सरकारी या गैर सरकारी संस्थान हैं, सब ने अपनी अपनी झांकी लगाई है। सभी स्कूलों ने अपने अपने बच्चों से झांकी मतलब चलवाई है। ये देखिए हमारे उत्तराखंड की पारंपरिक जो कपड़े थे उसमें हमारी बच्चियां थीं, और इसमें आप देख सकते हो हमारे छोटी छोटी बच्चियां, शायद ये वीर सेवा स्कूल की हैं। यह पुष्प वर्षा करती हुई जा रही हैं। इसके पीछे माफ़ कीजिएगा, अब आई वीर सेवा की, ये वीर सेवा स्कूल जो है उसकी झांकी है। तो सभी जो बच्चे हैं वह बहुत हर्षोल्लासित हैं, क्योंकि उन्होंने भी ये पहली बार मेला अपने क्षेत्र में देखा है। तो स्कूल की तरफ से, अभिभावकों की तरफ से, ये देखिए अब आ रहा है ये बैंड। ये मेरे ख्याल से एनसीसी बैंड है, जो कि हमारे यहाँ के बच्चे को धुन दे रहे हैं। तो कुछ इसी प्रकार से ये कार्य हो रहा है। अब ये सीधा कृषि महोत्सव के कार्यक्रम में पहुंच गए हैं। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से उत्तराखंडी कलाकार गाना गा रही हैं। चलिए इनका गाना अब सुनते हैं। We're gonna make it.
ऊपर उठाकर तालियां बजाएंगे, जितनी भी झांकियां हमारी प्रस्तुत की गई थी, और एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, जय माता दी। आप सभी पांडव लीला की झांकी हमारे बीच में प्रस्तुत की जा रही है, इसको कुछ कितना समय दिया गया है आदरणीय नेगी जी, गजेंद्र नेगी जी, 10 मिनट का समय पांडव लीला की झांकी के लिए दिया गया है। सुंदर पांडव लीला का प्रदर्शन आप देख रहे हैं, जो विगत 43 वर्षों के बाद